So now in the today's session, let's be discuss how we will solve the practical question related to the issue of share. First of all, you know very well कि ये topic सबसे ही unique topic है, कह सकते हो कि सबसे tough topic लगता है हमको while we solving the numerical question, especially जब question काफी बड़ा हो. बड़ा मतलब जब किसी question में issue भी हो, for feature भी हो, reissue भी हो, फिर कैपिटलिज्म डिटरमाइन करना हो, साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछ लिया जाए कि इशू कितने तरीके से होता है, फॉर फ्यूचर कितने तरीके से होता है, तो आप एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि हमें किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. सो सबसे पहले अगर आप ध्यान रखोगे कि जब भी आप स्टार्टिंग करते हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर का, तो उसमें पहली कुछ लाइन से आपको कुछ चीजें पता करनी होंगी. ठीक है, कितनी चीजें पता करनी होगी? चार चीजें. यानी जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गिवन है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गिवन है, तो आप पहले क्या करोगे, पहली कुछ लाइन से स्पेशली दो से तीन लाइन में आप कुछ चीजें पता करोगे. क्या क्या क्वेश्चन की डिमांड, क्या सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है? सर अमाउंट कॉल्ड आउट. ये मैंने शायद पहले भी ऑनलाइन क्लास में आपको बताया होगा अगर याद होगा तो, कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं स्पेशली इश्यू ऑफ शेयर का, सबसे पहले पता करते हैं कि कंपनी ने कैसे पैसा मांगा. इसके दो ऑप्शंस होते हैं. पहला ऑप्शन होता है लमसम, यानी सारा पैसा एक साथ, और दूसरा होता है कंपनी ने उस पैसे को किसमें मांगा है, इंस्टॉलमेंट में. जब भी कोई क्वेश्चन है और कंपनी ने शेयर इश्यू किया और दस रुपए शेयर की वैल्यू है, कितनी वैल्यू रुपीज है, 10 रुपीज, और कंपनी ने 10 का 10 रुपए एक साथ मांग लिए, तो उसे बोलते हैं लमसम. और जब कंपनी ने वही पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगा, इंस्टॉलमेंट मतलब एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग और कॉल्स अलग, तो सबसे पहला हमारा ध्यान क्या जाएगा, सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा कंपनी ने कैसे पैसा मांगा है, 10 रुपए एक साथ यानी लमसम, और दूसरा है कि 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने उसे इंस्टॉलमेंट में मांगा है, 5 रुपए एप्लीकेशन में, 3 रुपए अलॉटमेंट में, 2 रुपए कॉल्स. क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. जब कोई कंपनी लमसम में पैसा मांगती है तो सिचुएशन में एंट्री क्या होती है, उस सिचुएशन में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और दूसरा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. वहां पर आपको अलग से एप्लीकेशन, अलग से अलॉटमेंट, अलग से फर्स्ट कॉल, अलग से फाइनल कॉल ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है कि कंपनी ने पैसा मांगा और एक साथ सारा पैसा मांगा लमसम. दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट में आपको पता है कंपनी पहले एप्लीकेशन डिमांड करती है, तो पहले एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट के लिए शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, और कॉल्स के लिए शेयर कॉल्स टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर कॉल्स. अगर दो कॉल है तो फर्स्ट कॉल अलग, फाइनल कॉल अलग. तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सबसे पहले क्या माइंड में क्लिक करिए कि सर पैसा कैसे मांगा गया, एक साथ कि इंस्टॉलमेंट. अगर एक साथ मांगा है तो एंट्री कम हो जाएगी, और अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में मांगा गया है तो उतनी एंट्री आपकी बढ़ जाएगी. दूसरा आपका पॉइंट क्या होता है, पर्पस. आखिर कंपनी शेयर इश्यू कर रही है तो उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस बियॉन्ड द इश्यू ऑफ शेयर. एंड यू नो वेरी वेल कि जब भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसके बेसिकली दो पर्पस होते हैं, एक फॉर कैश और एक होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. जनरली आपको पता है कि कंपनी के दो पर्पस होते हैं, एक कैश के लिए शेयर इशू हो सकता है, तो कैश के लिए यही एंट्री होगी जैसा आपको बताया, लेकिन अदर देन कैश के लिए हो सकता है तो उसके कई पर्पस हो सकते हैं. इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने शेयर इशू किया तो किस लिए इशू कर सकती है, एसेट्स को खरीदने के लिए, दूसरा बिजनेस को खरीदने के लिए, और तीसरा किसी तरह का अंडरराइटिंग कमीशन पे करने के लिए. So what are the purpose beyond the issue of the share?
there are basically two purpose for cash and for consideration other than cash. Cash के लिए अगर company share issue कर रही है तो entry वैसी होगी जैसे आप करते आए, लेकिन अगर कंपनी ने शेयर इशू किया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, पैसे के लिए शेयर इशू नहीं किया है एसेट्स खरीदने के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर को क्या देंगे? शेयर, तो वेंडर टू शेयर कैपिटल. दूसरा क्या होगा? बिजनेस खरीदने के लिए क्या है, तो उसके लिए आपको याद होगा इसकी एंट्री मैं बताता था आपको कि सारी एसेट्स डेबिट, जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? सारी एसेट्स डेबिट टू सारी लाइबिलिटी, मतलब सन्डरी लाइबिलिटी, और टू वेंडर का नाम, इसके सामने हम लोग क्या लिखते थे? परचेस कंसिडरेशन, कितने में खरीद रहे हैं. और अगर डेबिट में बैलेंस आता था तो उसको क्या कहते थे? गुडविल. और क्रेडिट में आता था उसको क्या बोलते थे? कैपिटल रिजर्व. और यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट था, जब कंपनी शेयर इश्यू करती फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो यहां कॉन्सेप्ट क्या था? यहां कॉन्सेप्ट था एक कॉन्सेप्ट कैलकुलेटना इशू ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर. क्या कॉन्सेप्ट था? नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर, ये कैलकुलेट करना कि कितना कंपनी ने शेयर इशू किया है किसी बिजनेस को खरीदने के लिए या किसी एसेट को खरीदने के लिए या इंटरनेशनल कमीशन पे करने के लिए. ये एक तरह का पूरी तरह से समरी चार्ट है एक तरह से. जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे या फिर पूरी सेशन अटेंड करेंगे तो यू कैन सी दैट कि जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, तो आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या होता है? सारा कॉन्सेप्ट आता है. जितना हम पार्ट पार्ट पढ़ते हैं वही सब मिलाकर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है. अब उसी में से आपको क्या करना होता है? एंट्री पास करना होता है, अमाउंट फाइंड आउट करना. तो एक तरह से मान लीजिए पूरा एक तरह का रिवीजन है. तो फॉर कैश के लिए इशू किया तो पता ही है, अदर देन कैश के लिए इशू किया तो एसेट्स के लिए इशू करते हैं, बिजनेस खरीदने के लिए या इंटरक्टिव कमीशन के लिए. अब तीनों ही सिचुएशन में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ इशू ऑफ, और जब हम नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई इशू प्राइस, पीसी अपॉन आईपी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर? पीसी अपॉन आईपी. पीसी मीन्स परचेस कंसिडरेशन, आईपी मतलब इशू प्राइस. आईपी इशू प्राइस कैसे निकलेगा? जो फेस वैल्यू है, अगर प्रीमियम है तो प्लस, और अगर डिबेंचर के केस में डिस्काउंट है तो माइनस. डिबेंचर केस में, शेयर्स के केस में तो डिस्काउंट होता ही नहीं है. इसी बेसिस पे आपने एसेट्स खरीदने की एंट्री क्या लगाई? एसेट्स खरीदने की एंट्री होती है आपकी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एंट्री भी आपको रिकॉल करा लेते हैं, एसेट्स टू वेंडर. बिजनेस खरीदने की एंट्री लिख दिया. अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री क्या होती है? अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर्स. ये पहली एंट्री तीनों की डिफरेंट होती है. एसेट्स कर दोगे तो ये एंट्री होगी, बिजनेस कर दोगे तो ये एंट्री होगी, अंडरराइटिंग कमीशन पे करोगे तो ये एंट्री होगी. लेकिन दूसरी एंट्री सबकी क्या होती है? कॉमन होती है. फॉर इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्या होता है कॉमन? दूसरी एंट्री होती है वेंडर डेबिट या फिर अंडरराइटर्स का. टू शेयर कैपिटल, सिंपल. चाहे आपने एसेट्स खरीदा हो तो भी एंट्री होगी, बिजनेस खरीदा हो तो भी एंट्री होगी, और अंडरराइटर्स को कमीशन दिया है तो भी एंट्री. बस वेंडर की जगह क्या नाम यूज करेंगे? अंडरराइटर्स. सो सिंपल. नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट होता है. सो द थर्ड पॉइंट विच शुड बी नोट डाउन व्हाइल वी इशू द शेयर, दैट इज इन फर्स्ट इज अमाउंट कॉल्ड अप, सेकंड इज पर्पस, थर्ड इज द प्राइस. थर्ड हम ये चेक करते हैं कि हम जो शेयर इशू कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, किस प्राइस प्राइस पे इशू कर रहे हैं, पार पे की प्रीमियम पे. अगर हम शेयर पार पे इशू कर रहे हैं तो एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन अगर शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे तो आपको पता होगा उस सिचुएशन में हम एक स्पेशली अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. और इसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं सर. एंड फोर्थ एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर इज द सिचुएशन. जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पढ़ने से के दौरान हम ये भी डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन किस सिचुएशन का है.
तीन सिचुएशन बेसिकली होती है इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड. फर्स्ट सिचुएशन होती है अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जब हम जितना शेयर इशू करते हैं उससे कम के लिए शेयर के लिए क्या आता है, डिमांड आता है, उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं. दूसरा क्या होता है, इक्वल सब्सक्रिप्शन, मतलब जितना शेयर इशू किया उतने ही शेयर के लिए क्या आया, एप्लीकेशन आया. और थर्ड और जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम शेयर जितना इशू करते हैं उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आता है. सो ये चार पॉइंट आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चार पॉइंट डिसाइड करना होगा. फिर उस हिसाब से आपको अपना मेमोरी डेवलप करना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में क्या करते हैं, क्या होता है. उसके बाद भी हम एरियर एडवांस, एडवांस है तो पहले एडवांस रिसीव करते हैं फिर एडवांस को एडजस्ट करते हैं. एरियर होता है, एरियर दो टाइप का होता है, इस सिचुएशन में एरियर और ओवर सब्सक्रिप्शन के सिचुएशन में एरियर. ओवर सब्सक्रिप्शन के सिचुएशन में अगर एरियर होता है तो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि उसमें हमें निकालना पड़ता है कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो. दूसरा, एरियर के बाद कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को टाइम देती है कि आप इतने टाइम के अंदर क्या करें, पेमेंट कर दीजिए. अगर वो कर दिए तो ठीक है, नहीं किया तो उनके शेयर को क्या कर सकती है, कंपनी फॉरफीट कर सकती है. और फॉरफीट के बाद कंपनी शेयर को क्या कर सकती है, रीइशू कर सकती है. रीइशू में भी दो कंडीशन होती है, तीन, पार पे, प्रीमियम पे की, डिस्काउंट. फॉरफीचर में दो कंडीशन होती है कि शेयर पार पे इशू था कि प्रीमियम पे इशू था. और प्रीमियम में दो होता है, जल्दी मैं समझा रहा हूं. प्रीमियम में दो था, पहला प्रीमियम मिला है कि प्रीमियम नहीं मिला. सारी चीजें आपके माइंड में घूमती रहनी चाहिए व्हाइल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. इतना करने के बाद, रीइशू करने के बाद, फिर कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते वक्त तीन सिचुएशन होती है. पहला, जब कोई शेयर इशू नहीं हुआ है. दूसरा, जब पूरा शेयर इशू हुआ है. और तीसरा, जब पार्ट ऑफ द शेयर इशू हुआ. मतलब 1000 शेयर फॉरफीट किया, रीइशू कितना हुआ, सिर्फ 900 और 800. चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ साथ. कोई क्वेश्चन आप सुनाओ. द क्वेश्चन नंबर 60 विच आर रिलेटेड टू द इशू ऑफ शेयर. द क्वेश्चन नंबर 60 सेज दैट एसके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 320,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर. द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज. सो हाउ मेनी शेयर्स आर देयर, 320,000 शेयर्स, और एक शेयर है ₹10 का प्लस ₹5 प्रीमियम. सो टोटल इशू प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 15. दिस इज एन इशू प्राइस. द अदर इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो गिवन, दैट इज एन एप्लीकेशन इट विल बी अ 3 एंड अलॉटमेंट इट विल बी अ 5. बट इस ₹3 के एप्लीकेशन में ₹1 प्रीमियम का है तो ₹2 शेयर का हो जाएगा, और इस ₹5 में ₹2 प्रीमियम का है तो ₹3 शेयर का हो जाएगा. और कॉल्स यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस लिखा है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, 538 में से 15, 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7. प्रीमियम भी ऐसे निकाल लेंगे, प्रीमियम टोटल कितना था 5, और प्रीमियम कितना हो चुका है 2 + 1 = 3, कितना प्रीमियम बचा है, 2 प्रीमियम प्लस 5 शेयर. अब आप ऐड कर लो, 2 + 2 + 1 ₹5 प्रीमियम, 5 + 3 + 2 ₹10 शेयर equals to ₹15. What is the next step in this question? Application for 4 lakh shares were received. Application for 40,000 shares were rejected and application money refunded. Shares were allotted on prorata basis to the remaining applicant. यानी कह रहा है हमें application कितने के लिए आया, हमें applied हुआ, अप्लाइड की अगर बात करें और यहाँ अलॉटेड की बात करें, सो इन टोटैलिटी की अगर हम बात करें, टोटैलिटी मतलब पूरा अप्लाइड हुआ 4 लाख, जबकि एक्चुअलिटी में देखोगे तो कितना शेयर अलॉट कर सकते हैं, 3,20,000. कोई भी कंपनी
जितना शेयर इशू किए उससे ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकते। सो 4 लाख अप्लाइड हुआ, 320 अलॉट हुआ, तो उसमें सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, 40,000 जिसने अप्लाई किया था उसे रिटर्न कर दिया, मतलब उसे कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। बचा कितना, 360 वालों को कितना दिया, 320। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, एक्सेस निकालते हैं। इसका एक्सेस कितना होगा, 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसका होगा 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1,20,000। इसका 1,20,000 इसका अमाउंट सेम है लेकिन ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। ट्रीटमेंट क्या होगा, इस 120 को हम रिटर्न कर देंगे और इस 120 को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखा है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन विद एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी जितना पैसा एक्सेस मिला है अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे उसे हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। इस 120 को हम रिटर्न कर देंगे और इस 120 को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। सो यहां तक हम, अगर हमने इतना किया है तो हम कुछ एंट्रीज पास कर सकते हैं। कितनी एंट्रीज, फर्स्ट फ्यू एंट्रीज, पहला एप्लीकेशन मिलना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन मिला है, 4 लाख, कितने से है एप्लीकेशन, 3 लाख, सो इट विल बी 12 लाख। फिर एप्लीकेशन मिलने के बाद हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा, 1 रुपए और 2 रुपए शेयर। सो टोटल एप्लीकेशन 12 लाख, शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे सर, जितना शेयर अलॉट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 320 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, 2,640, और शेयर का कितना, 320 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 रुपए शेयर का, 1 रुपए प्रीमियम का है, जिसको रिटर्न कर देते हैं उसको क्या लिखते हैं, बैंक से, और जिसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं उसको क्या लिखते हैं, 2 शेयर अलॉटमेंट। दिस इज एन एप्लीकेशन एंट्री, क्योंकि एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी है, एक्सेस को रिटर्न भी करना है और कुछ एक्सेस को क्या करना है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना। सो द नेक्स्ट एंट्री रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। लिखा है जीवन होल्डिंग 800 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफीटेड afterwards final call was made, यानी final call से पहले की कहानी क्या है, final call मतलब calls के पहले क्या है, application का काम हो गया, अब क्या मांगेंगे, allotment, और allotment जब receive करेंगे तो पता चला कि जीवन नाम का लड़का था और उसने क्या किया, अपना allotment का पैसा नहीं दिया, allotment का पैसा नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, पहले allotment मांगेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अलॉटमेंट में भी क्या है, प्रीमियम, कितने शेयर्स हैं कंपनी के पास, 320, अब हम 4 लाख 360 40 सबको भूल जाएंगे, अब हमारा अलॉटमेंट किससे स्टार्ट होगा, जितना मेरे पास शेयर है, 320 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, मल्टीप्लाइड बाई 3, 960, और प्रीमियम के सामने कितना लिखेंगे, 320 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, 2,640, 16 लाख, अलॉटमेंट पे कितना मांगे, 16 लाख। लेकिन जब रिसीव करने गए, एंट्री नंबर 4 करने गए, तो हमें पता चला कि उस पे क्या था, एरियर था, सो एंट्री पहले करके बैठे गए, और अलॉटमेंट के सामने कितना लिखेंगे, अलॉटमेंट कितना है मांगा, 16 लाख, बट पहले से कितना मिल चुका है, 120, तो 120 नहीं मिलेगा, तो हमें कितना मिलना चाहिए, 14,80,000। अब हम ये एरिया निकालेंगे, जिस जीवन ने क्या किया है, बट यहां पे ये भी सोचना जरूरी है कि एक्सेस पैसा किस पे एडजस्ट है,
जीवन भी तो इसी में का हिस्सा होगा। जब 360,000 शेयर मांगते हैं तो हमें मिलता कितना है, 320 मिलता है। जीवन को कितना मिला है, 800 शेयर, तो उसने भी तो ज्यादा मांगा होगा तब जाके उसे 800 मिला होगा। तो जीवन का एरिया निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पॉलिसी एरिया निकालेंगे, पॉलिसी एरिया मेड बाय जीवन। जीवन का कौन सा शेयर दिया है, अलॉटेड शेयर दिया है। अलॉटेड शेयर कितना है, 800 शेयर। सबसे पहले जीवन का क्या निकालेंगे, अलॉटेड दिया क्या निकालते हैं, अप्लाई अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाइड ऊपर अलॉटेड नीचे। टोटल अप्लाइड कितना है, 360। टोटल अलॉटेड कितना है, 320। और अलॉटेड कितना है, 800। कितना आ जाएगा ये, 900 शेयर। मतलब जीवन ने 900 शेयर मांगा तो जाकर उसे कितना शेयर मिल रहा है, 800। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इसका एक्सेस पैसा कितना एडजस्ट है, एक्सेस मनी एडजस्ट कितना है, निकल जाएगा सर। मांगा 900, मिला कितना, 800, तो एक्सेस कितना होगा, 100। एप्लीकेशन मनी कितने से, 300। यानी उसने एप्लीकेशन में कितना एक्सेस दिया होगा, 300। और इसमें से क्या माइनस करते हैं, कितना अलॉटमेंट से मांगेंगे। सिंपल सा है, उसे कितना शेयर मिला था, 800, और अलॉटमेंट कितने से, 5 रुपए से। तो हम अलॉटमेंट पर उससे कितना मांगते हैं, 4000। वो पहले से कितना दे चुका है, 300, बचा कितना, 3700। क्या हो जाएगा, 14,80,000 में से 3,700 गया तो कितना बचा, 14,76,300। आंसर आएगा 14,76,300 अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड देयर आफ्टर जब अलॉटमेंट मिला, अलॉटमेंट पे एरियर हुआ तो कंपनी ने डिसाइड किया कि आफ्टर द अलॉटमेंट कंपनी इमीडिएटली उस शेयर को क्या कर लेगी, फॉरफीट कर लेगी। तो फॉरफीचर की एंट्री होगी, एंट्री नंबर 5। अब मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं, सो इट इज आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी द सिचुएशन। सिचुएशन क्या थी, देखते हैं कि शेयर पार पे इशू है कि प्रीमियम पे, और ये क्वेश्चन पूरा प्रीमियम से भरा हुआ है। उसने एप्लीकेशन तो दिया लेकिन अलॉटमेंट, और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला। तो अलॉटमेंट नहीं दिया, क्या अलॉटमेंट प्रीमियम है, हाँ सर, तो प्रीमियम भी नहीं मिला। तो एंट्री नंबर जो 5 होगी वो होगी फॉरफीचर की, प्रीमियम नहीं मिला। शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्सिन एरियर। मैंने बहुत सिंपल सा बताया था कि शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं, जितना मांगा, कितना शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं, 800। 800 मल्टीप्लाई बाय कितना रुपए मांगा है शेयर का, 2+3। उससे तो हम कॉल्स मांगे ही नहीं, कॉल से पहले उसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया, तो कितना मांग रहा है, 5 रुपए। 4 प्रीमियम में क्या लिखते हैं, जितना प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता। उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना है, 2 रुपए, यानी कि 1600। एरियर निकाल के बैठे हुए, एरियर कितना है, 3700। तो बाकी जो बचेगा वो क्या आ जाएगा आपका, बाकी आपका आ जाएगा 1800। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, 4000 रुपये ये हो गया, एरियर आपका 3700 है ना, फॉर फीचर कितना आएगा, बैलेंस निकालना होगा, फॉर फीचर बैलेंस निकाल लो, 5600 में से 3700 गया तो कितना बचा, निकाल के फटाफट बताइए। देयर आफ्टर हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल भी मांगेंगे। फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल डेबिट
टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने शेयर हैं? 320। नहीं सर, 320 शेयर नहीं है, 320 शेयर टोटल थे जिसमें से 800 शेयर जीवन के थे और हमने उसको क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया। तो कितने शेयर बचे? बचे 3,19,200। तो जो फाइनल कॉल हम मांगेंगे वो मांगेंगे 3,19,200 पे। यही इस क्वेश्चन का फर्स्ट फॉरफीचर के बाद क्लाइमैक्स है, यही आप लोग मिस्टेक करते हैं मैक्सिमम। तो 3,19,200 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 3,19,200 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा फाइनल कॉल का मंथ। नोट डाउन कर लीजिए।